मैं 2004 बैच भारतीय राजस्व सेवा का अधिकारी हूँ, रामेश्वर में पोस्टेड हूँ। और सर किस तरह से शौक पड़ा, क्या क्या करते हैं, एम्बुलेंस क्या करते हैं? देखिए, हमने एक विश्व का पहला ट्री हॉस्पिटल एंड क्लिनिक विच हैज़ अ ट्री एम्बुलेंस आल्सो वो शुरू किया है। हमारा मेन पर्पज़ है कि मनुष्य के लिए सब कुछ है, ये जो प्राणी मात्र है, जैसे हम बड़ी बार कहते हैं प्राणियों में सद्भाव हो, ये प्राणी मात्र है, प्लांट्स के लिए कोई भी ऐसा कोई चीज़ नहीं थी। तो हमने एक ट्री हॉस्पिटल शुरू किया है जिसमें एक मोबाइल एम्बुलेंस है और जिसमें कि एक पूरे का पूरा एक प्लांट्स से रिलेटेड जो भी ट्रबल है, विच में भी फिज़िकल, विच में भी केमिकल, विच में भी बायोलॉजिकल, ये हमने शुरू किया है। हमने इसमें दो तरह की टीम बनाई है, एक तो हमने एक्सपीरियंस्ड बंदों को लिया है जिनको प्लांट से लव है, जैसे बहुत पैशनेट है प्लांट्स के लिए। दूसरा हमने टेक्निकल टीम बनाई है जिसमें काफ़ी बॉटनिस्ट और काफ़ी जो इससे रिलेटेड जिनको जिनकी टेक्निकल एजुकेशन है, उन लोगों को इन्वॉल्व किया है। तो सर एम्बुलेंस कैसे काम करता है? देखिए, एम्बुलेंस ऐसे काम करती है, हमने एक नंबर डिस्प्ले करवाया, लोग उस पर फ़ोन करते हैं, तो हम पहले पूछते हैं कि क्या वो जो रिक्वायरमेंट है वो वहाँ जाने की है या नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोग सिर्फ एक गाइडेंस चाहते होते हैं, और इन केस मान लीजिए उनको लगता है कि जैसे हमें 3-4 दिनों से क्या मेन फ़ोन आ रहे हैं कि हमारे प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही, हमारे घर में पीपल उग गया है, क्या आप उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हो, या हमारे पेड़ सड़ रहे हैं या ख़राब हो रहे हैं, उनका क्या हल है, क्या हमारे यहाँ पर विज़िट कर सकते हो, तो दीज काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स वी हैव आइडेंटिफाइड। तो हम इनको नेचर बेस्ड सोल्यूशन से ठीक करते हैं, इसमें बायो फर्टिलाइज़र हो गया, बायो एंजाइम हो गया, पंचगव्य हो गया, जीवन अमृत हो गया, घन जीवन अमृत हो गया, या नीम अस्त्र हो गया। जैसे बहुत को समस्या ये आती है कि दीमक लग जाता है या क्या उसको कहते हैं घुन लग जाता है, तो हम उसका भी जो सोल्यूशन है नेचर बेस्ड सोल्यूशन करते हैं।